एगो गवैया है, वो गवैया ठीक से जब गाना नहीं गा पाया तो आजकल नेता बनने चला है। हाँ, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, दिल्ली भाजपा का जो अध्यक्ष है, नाम छोटी जी, उतना बड़ा आदमी नहीं है। वो जो गवैया साहब हैं, वो पहले सपा से एमपी बनना चाहते थे, जान लीजिए इस बात को। उसी सपा को आजकल वो देशद्रोही बता रहे हैं, जिस सपा से वो पहले एमपी बनना चाहते थे। देखिए, मामला सेट नहीं हो रहा है, इसीलिए तुरंत मोदी मोदी करने लगे। उससे पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह जी जिंदाबाद करते थे। देखिए कि यहाँ कैरियर नहीं बन सकता है, इसीलिए तुरंत बस पलट लिए। और पूरे 5 साल में मैं आपको बता देता हूं कि इस सरकार ने जितनी बार हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया है, उससे ज्यादा बार पाकिस्तान का नाम लिया है। जब भी कोई भाजपा का विरोध करता है तो तुरंत कह देता है कि अरे ये तो पाकिस्तान से है। जब भी कोई इस सरकार का विरोध करता है तो तुरंत कह देता है कि ये तो पाकिस्तान का समर्थक है और देश का विरोधी है। अब एक बात आप उनको सोच करके बताइए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने नवयुवकों को ये बात जरूर समझाइएगा कि कौन सी ऐसी सरकार इस देश में बनी है जिसका इस देश की जनता ने विरोध नहीं किया है। तब तो कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता था कि जो मोदी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। तो मोदी देश हो गया है? मोदी देश है क्या? प्रधानमंत्री का विरोध करना क्या इस देश के नागरिकों का अधिकार नहीं है? अरे आप हमसे वादा किए, आप किए ना, हम आपसे मांगने के लिए गए थे 15 लाख। आप रैली में जा जा करके बताए कि हम सारा काला धन वापस लाएंगे और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। और जब आज 5 साल खत्म होने वाला है और हम पूछ रहे हैं कि बताओ कहां है 15 लाख रुपया, तो कह रहे हैं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। आज जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंजीनियर बनने के बाद लोगों को आज अगर पकौड़ा बेचना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के बाद भी यदि लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने लिखने के बाद भी यदि गरीब गुरबा का जीवन नहीं बदलेगा, जिस उम्मीद के साथ उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था उस उम्मीद पे यदि पानी फिर जाएगा, तब हम आपसे पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। ये बेईमानी है, और इस बेईमानी को आप इस खेल में समझिए। सकलुचिया वाला किस्सा सुन लो कि सकलुचिया एक बार की कहल गए कि राजा के बगल में खड़ा हो ललके मंत्री चुट्टी काट। मंत्री कहल के कि देखिए हुजूर ही हमको चुट्टी काट रहा है। राजा को गुस्सा आ गया, बोला इसका नाक काट लो। सेनापति जो ही सकलुचिया का नाक काटा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु साक्षात प्रभु साक्षात प्रभु। अब जो है सब हैरान कि नाक कटा सकलुचिया किसको भगवान दिखने लगा। तो मंत्री बोला कि सच में तुमको दिख रहा है? बोला एकदम सच बोल रहे हैं, सच में हमको भगवान दिख रहे हैं। कहा ठीक है, तो इसका जो है टेस्ट किया जाए। एक सैनिक को बुलाया। अरे निमल का कहानी सुनबे के लोग, गरीब गुरबा की भेलू, गरीब गुरबा या तो खेत में मरे या सीमा पर मरे। कोनो नेता के बेटा जाए फौज में कि हमर तोहर भाई जाए नौकरी करे, गरीब को बच्चा में रहे तो बाप मरे ओकर खेत में आ बेटा मरे ओकर सीमा पर। राजनीति के करथिन मोदी मोदी, फोटो के लगे थी मोदी, ड्रेस के पहनथिन मोदी, एहन होय रहलै देश में। देखो सेना को बोलल कहता कटने मरने के लिए तो सैनिक है, तो सेना को बुलाया किधर आओ, बोला कि इसका नाक काटो, फिर उसका भी नाक काटा। सकलुचिया तुरंत कान में सट करके उसको बोला कि बोलो तुम भी के भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो हमको भी नकट्टा कहेगा और तुमको भी नकट्टा कहेगा। अब बोला कि हमको भी भगवान दिख रहे हैं, हमको भी भगवान दिख रहे हैं। ऐसे करके एक एक करके सब अपना अपना नाक कटवा लिया, पूरा दरबार नाक कटवा लिया। तब बारी आई राजा की,
राजा कहा कि जो है ठीक है, तब हमको भी भगवान देखना है, ऐसा करो मेरा भी नाक काट दो। तो सैनिक आया और राजो का नाक काट दिया। राजा कहा कि कहाँ भगवान दिख रहे हैं। तो सकलुचिया बोला हुजूर हमारा नाक कट जाता तो हमको लोग नकट्टा कहता है, तब राजा का ही नाक कटा हुआ है तो कौन हमको नकट्टा कहेगा। इस देश के साथ यही हुआ है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता हो तो राजनीति में झूठ बोलने को अब कौन गलत कहेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया हो तो इस देश में और किसी के बारे में लोग क्या कहेगा। इस देश का प्रधानमंत्री ही जब हथियार खरीदने में दलाली खाता हो तो बाकी लोगों को लोग क्या कहेगा। जितना चोर गुंडा डकैत बेईमान सब इकट्ठा होकर के देश की जनता के गुस्से का और उसके उम्मीद का फायदा उठाया है, हुआ ये कि जनता पिछली सरकारों से परेशान हुई थी, ये बात सच है। और परेशान जनता एक नई उम्मीद को ढूंढ रही थी। और नई उम्मीद क्या होता है, नई उम्मीद ये होता है कि तोरा बिछौना हो गया उड़ीस रात सुतल जाए एने कर दे तैयो काटे है, एने कर दे तैयो काटे है। अगला दिन गए बाजार खाद खरीदे ले, बच्चा खातिर सामान खरीदे ले, सब्जी खरीदे ले, देख ले ओजा मिल रहे हैं, आइए लीजिए खटमल मारने वाली दवा ले जाइए। उड़ीस परेशान लोग रहबे करे, फट सनी दवाई खरीद ले के धारा धर। इस देश के साथ वही हुआ है, जनता परेशान थी अपने दुख और तकलीफ से, और उस दुख और तकलीफ में परेशान होने के चलते जब कोई आकर के ये कहा कि मैं तो चाय बेचने वाले का बेटा हूं तो सब गरीब को लगा कि गरीब का बेटा है चलो इसको वोट दे देते हैं। उसको क्या पता था कि है गरीब का बेटा जरूर, ये पैदा जरूर हुआ है गरीब के घर में, लेकिन ये चौकीदार है अंबानी के घर का, ये चौकीदार है अदानी के घर का। जनता को क्या मालूम था कि इस देश के सेना के साथ ये गद्दारी करेगा, उसके लिए जहाज खरीदने के नाम पे दलाली खाएगा, चौकीदार होने का दावा करके इस देश के साथ चोरी करेगा, इस देश की जनता को नहीं मालूम था। और जब इसका 5 साल का टॉक टाइम खत्म होने वाला है तब ये नया नाटक करना शुरू किया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे। तेरे लुच्चा जब बिरयानी खाने के लिए गए थे तो उसके घर में ही गए थे तो दो चार झापर खींच देते तब समझ में ना आता। पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था बिरयानी खाने के लिए, क्यों गया था, क्योंकि जिसके पैसा से ये हेलीकॉप्टर पे उड़ता है ना और टीवी पे बड़का बड़का फोटो आता है, पेट्रोल पंप पे जाइएगा वहां भी दांत खिसोड़ करके ये आपको मिल जाएगा, अखबार देखिएगा वहां भी दांत खिसोड़ के मिल जाएगा, ये टीवी खोलिए वहां भी दांत खिसोरा हुआ प्रधानमंत्री आपको मिलेगा, ऐसा दांत खिसोर प्रधानमंत्री दूसरी बात आज तक नहीं बना। तो ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा देता है वही जिसके लिए दुनिया का चक्कर लगाता है, उसका बिजनेस सेट करता है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, कमीशन एजेंट है, कुल आपकी तरह हूं, आपके ही जैसे एक परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है 3000 रुपया कमाती है, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, हाथ में तलवार नहीं है लेकिन दिमाग में विचार है, क्योंकि हमने आपके मेहनत के पैसे से पढ़ाई की है, आपके टैक्स के पैसे से पढ़ा है, हमको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो सवाल मैं आपके सामने आकर के रखता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिस अदानी और अंबानी के पैसे से, जिसके चंदे से हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, उसकी संपत्ति रोज बढ़ रही है, और जिस देश की जनता ने विश्वास करके इस प्रधानमंत्री को वोट दिया वो जनता रोज मर रही है, ये इस देश की सच्चाई है। कभी खेत में जनता जान दे रही है, कभी फैक्ट्रियों में जान दे रही है, कभी सीमा पे जान दे रही है, कभी उसकी अस्मत लूटी जा रही है, एक एक कर की योजनाओं को जिस तरीके से हमारे ऊपर थोपा जाता है, उन योजनाओं की हकीकत को आप जाकर के देख लीजिए। अंबानी एक दिन में 350 करोड़ रुपया कमाता है, 350 करोड़। कहां से आता है पैसा, क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह शहादत दिए थे,
क्या इसी दिन के लिए अशफाक उल्ला खां फांसी पे झूल गए थे? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तपस्या की और एक बेहतरीन संविधान हमको लिख करके दिया? क्या इसी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए निछावर कर दी? क्या इसी के लिए सावित्रीबाई फूले ने ये बीड़ा उठाया कि हम खुद पढ़ेंगे और इस देश की महिलाओं को पढ़ाएंगे? क्या इसीलिए सब कुछ हुआ था? आज इस बात पे हमको विचार करना पड़ेगा, यह बात हमको सोचनी पड़ेगी कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, आज वो आजादी खतरे में है। जिनको हम इस देश का रक्षक समझते हैं, वो इस देश का भक्षक बन गए हैं, और उनके ऊपर जो लोग सवाल पूछते हैं, उनको ये देशद्रोही साबित करने पे तुले हुए हैं। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको सरकार किस लिए चाहिए। कोनो भाजपैया बहस करा लेकर ना आ कहतो कि मोदी जी नहीं रहतीन ना तो एयर स्ट्राइक नहीं होते रह, तो कहियो वह पायलट रहतीन, वह जहाज उड़ाब करे रहतीन। कल के तोरा घर में बेटा के ब्याह होता तो कह दियो नहीं हमारे बेटा के ब्याह नहीं छे, मोदी जी के ब्याह छे। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो वोट का बराबरी का अधिकार था तो स्कूल भी बराबर होना चाहिए, ये हमारा सपना था। जब वोट बराबर है तो सड़क पे चलने का अधिकार भी बराबर होना चाहिए, ये हमारा सपना था। जब वोट का अधिकार बराबर है तो हमारे जीवन जीने का स्तर भी बराबर होना चाहिए, ये हमारा सपना था। आज इस सपने को पलट दिया गया है, ऐसे पलट दिया गया है कि थोड़ा सा पैसा यदि आपके पास हो जाए तो आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में जब इलाज नहीं होगा, तो आप सोच करके बताइए कि किनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, किनके बच्चों का इलाज नहीं हो पाएगा। इस पे आप विचार करके देखिए। एक एक करके इस देश के संस्थानों को तबाह किया गया है। इसीलिए मैं अपने जिले के वासियों को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है कि इस आजाद देश में हमको अपनी आजादी के लिए आजादी की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के रास्ते पर चल करके एक बेहतरीन भारत का निर्माण करेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा कोई है तो वो ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे पे हम बात करेंगे, और इस एजेंडे पे अगर हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने हक और अधिकार को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हिंदुस्तान का इतिहास ये जानता है कि हिंदुस्तान की जनता जब जब सड़कों पे उतरी है तो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया है। अंग्रेज के इन चमचों को भी खदेड़ कर भगाएंगे और एक मुकम्मल भारत का निर्माण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि लड़ाई जब भी ईमानदारी से लड़ी जाती है तो उसको जीती जाती है। और दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यारों, एक पत्थर तबीयत से उछालेंगे, गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और सामाजिक न्याय के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।